नमस्कार, स्वागत है आपका जीवी न्यूज में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान आया सामने, बोले हमें शंभू दयाल पर गर्व है, उनके परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि देंगे। आप सबको मेरा नमस्कार। दिल्ली पुलिस में एक एएसआई थे, उनका नाम था शंभू दयाल जी। 4 जनवरी को उनको एक केस पे भेजा गया। हुआ ये कि एक महिला थाने में आई और उसने कंप्लेन की कि उनके हस्बैंड का किसी ने मोबाइल छीन लिया है। वहां के थाना अध्यक्ष ने शंभू दयाल जी को, जो एएसआई थे वहीं पे, उनको कहा उनके साथ महिला के साथ जाने के लिए। वो महिला के साथ गए। अपने इलाके में पहुंच के महिला ने बताया कि वो सामने जो शख्स है उसने मोबाइल फोन छीना है। उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया, शंभू दयाल जी ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसे थाने ले जाने लगे। जब वो थाने ले जाने रहे थे तो उस शख्स ने अपनी जेब में से एक चाकू निकाला और कई बार शंभू दयाल जी के ऊपर चाकू से वार किया। शंभू दयाल जी को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां पे उनकी मौत हो गई। आज ऐसे बहुत कम ऑफिसर देखने को मिलते हैं जो कि हमारी और जनता की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा देते हैं। शंभू दयाल जी जैसे शख्स के ऊपर हमें गर्व है, पूरे देश को गर्व है, पूरी दिल्ली को गर्व है। उनकी जान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। ऐसे वीर पुरुष देश के लिए भी एसेट हैं और उनके परिवार के तो वो बहुत प्यारे थे ही, लेकिन ऐसे मौके पे उनको सम्मान देने के लिए दिल्ली सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि शंभू दयाल जी को की आत्मा को शांति दें और उनके पूरे परिवार को और उनके चाहने वालों को ये दुख सहन करने की शक्ति दें। ओम शांति शांति। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें टीवी न्यूज में।